हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। पटना के डाक बंगला चौराहे पर अयांश बाबू के लिए जनता से गुहार लगाई और डोनेशन भी इकट्ठा करवाया गया, जिसमें टीम पूर्णिया के विमांशु राव यादव, सौरभ मंडल, प्रवण प्रवीण तथा टीम बिग हेल्पर से आदर्श झा, रणवीर प्रताप, सुनील जी, टीम रेडी टू डोनेट के अनेकों समाज सेवी मौजूद थे, जिसमें टीम पूर्णिया के युवा हिमांशु राव यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा, सबसे पहले पूरे बिहार को एकजुट होकर एक साथ रोड पर आना होगा तथा हर जिले में कैंपिंग करवाने में आप सभी का साथ और सहयोग चाहिए। अयांश सिंह, जो कि मात्र 10 महीने का है, वो एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 1 से जूझ रहा है। इस बीमारी में शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी में अब तक बच्चा 2 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाता है। हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हम उसे हर रोज पीछे होता देख रहे हैं। उसका सिर संभाल नहीं पा रहा है। उसके हाथ और पैर की शक्ति खत्म हो गई है। उसे अब कुछ खाने में भी परेशानी होने लगी है। वह 10 माह का तो हो गया है, पर अभी कुछ नहीं कर पाता है। अभी भी नवजात की तरह है। उसके पास कुछ महीने ही बचे हैं। यह बीमारी जानलेवा है। कुछ दिन बाद इसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी। हमारे पास इसका मात्र एक इलाज है, जॉलजेंसमा इंजेक्शन, जिसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है और यह हमारे भारत में उपलब्ध भी नहीं है। यह इंजेक्शन अमेरिका से मंगाना पड़ता है। इतनी बड़ी रकम हमारे लिए असंभव है। यह रकम आप लोगों की मदद और सहयोग से संभव हो सकती है। बच्चे की जान बचाई जा सकती है। बच्चे की जिंदगी अब आप लोगों के हाथों में है। आप चाहते हैं कि बच्चा आप लोगों के बीच में बड़ा हो। ये सब आपके सहयोग से ही संभव है। जितनी राशि संभव हो उतनी राशि से मदद करें और बच्चे का जीवन बचाएं। यह हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि बच्चे को बचाएं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक।